ये तो फॉर्मूला अपने पास बन गया, लेकिन ये तब है एक्स और वाई पॉजिटिव है। लेट मी चेक। अब ये आर में एक क्वाड्रेटिक है, अब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है 1 - 4 यानी नेगेटिव आ रहा है, और आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है, तो देयरफॉर एक्स पॉजिटिव है, ये प्रूव हो गया। इसी तरह यहां भी देखें, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है 1 - 4 यानी नेगेटिव आ रहा है, आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा है, तो यहां से भी प्रूव हो गया वाई जो है पॉजिटिव है। तो इन अनदर वर्ड्स, अब इससे क्या निष्कर्ष निकला अपने का, कि देयरफॉर जो टी आर है उसको हम लिख सकते हैं टैन इनवर्स एक्स माइनस टैन इनवर्स ऑफ वाई, यानी टैन इनवर्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन माइनस टैन इनवर्स ऑफ आर स्क्वायर प्लस वन माइनस का आर, ऐसा हमने लिख दिया। मेरी बात समझ में आई? टैन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स वाई को हमने, तो मैं दोबारा दोहरा रहा हूं अपनी सारी बातें, जनरल टर्म लिखी, जनरल टर्म को इस फॉर्म में लेकर के आना था, उसके लिए सबसे पहले वन अलग से क्रिएट करा और इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स फैक्टराइज करना चाहा, तो दिस इज एक्चुअली द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन। तो बेसिकली बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन में यूज हो रही हैं, फैक्टराइजेशन, सीक्वेंस सीरीज, ये सब यूज हो रहा है इसके अंदर में, ठीक है। तो फिर हमने नीचे x into y प्रोडक्ट क्रिएट करा और फिर ऊपर यानी न्यूमरेटर में x माइनस वाई लेकर के आए और x और y दोनों चेक करें पॉजिटिव आ रहे कि नहीं आ रहे हैं, और ये बात बन गई अपने पास। अब क्वेश्चन में देखो हमसे क्या पूछा गया है, वी आर आस्क्ड टू फाइंड द समेशन ऑफ दिस सीरीज अप टिल n टर्म्स। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, हम जानते हैं अब कि जो एस एन है वो किसके इक्वल है, टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री एंड इट गोज ऑन अप टिल टी एन। तो जैसे ही मैं आर की वैल्यू वन पुट करूंगा तो टी वन क्या आएगा, टेन इनवर्स ऑफ थ्री माइनस का टेन इनवर्स ऑफ वन। यहां तक बात समझ में आ गई, आर की वैल्यू वन पुट करेंगे तो आर की वैल्यू टू आप पुट करो तो टी बेस टू आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ कितना सेवन माइनस टेन इनवर्स ऑफ चार और एक पांच, पांच में से दो माइनस कर दें आपके पास थ्री आ जाएगा। आर इक्वल टू थ्री इनपुट करोगे तो क्या आएगा, टी थ्री यानी टेन इनवर्स ऑफ, अब नाइन और तीन बारह और एक तेरह, यहाँ पे थर्टीन आ जाएगा माइनस का टेन इनवर्स ऑफ, अब थ्री पुट करें नाइन और एक टेन, टेन में से थ्री घटा दे तो आपके पास सेवन आ जाएगा। एंड इट गोज ऑन अप टिल आर इक्वल टू एन, यहाँ से टी बेस एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स ऑफ एन स्क्वायर, आर की जगह एन, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन माइनस का टेन इनवर्स ऑफ एन स्क्वायर प्लस वन माइनस का एन। अब क्या करें, अब इन सबको अपने ने ऐड करना है ना, टी वन प्लस टी टू अप टिल टी एन, यहाँ तक सबको ऐड करेंगे। अब ध्यान से देखें दोस्तों, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, ये अगली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म इससे कैंसिल आउट हो जाएगी। तो दैट इज, इसका मतलब जो एस एन है यानी सम ऑफ एन टर्म्स, वो क्या आ जाएगा, जो बचती है चीजें यानी टैन इनवर्स ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन प्लस वन इसमें से और माइनस का टैन इनवर्स ऑफ, ये रहा पार्ट यानी टैन इनवर्स ऑफ वन, मैंने लिख दे रहा हूं यहां पर ये माइनस का टैन इनवर्स ऑफ वन। यू गेटिंग माय पॉइंट, ये क्या आ गया अपने पास, सम ऑफ द एन टर्म्स आ गया ये, और टैन इनवर्स वन हम जानते हैं क्या होती है वैल्यू, पाई बाय फोर होती है, टैन इनवर्स ऑफ एन वन यानी पाई बाय फोर हो जाती है वैल्यू। तो ये आंसर आ गया अपने पास फाइनली। अब हमसे सवाल इसमें पूछने को पूछा जा सकता है, सम ऑफ द इनफिनिट टर्म्स क्या है, तो एन की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर दोगे, तो एस बेस इन्फिनिटी की बात करूंगा मैं, इफ एन टेंड्स टू इन्फिनिटी तो एस बेस इन्फिनिटी की बात करूंगा। टैन इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, पाई बाय टू में से क्या घटा देंगे, पाई बाय फोर, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय फोर आ जाएगी इफ इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में जो सारी बातें मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था या बताना चाह रहा था, आई एम श्योर आपको क्लियर हुई होगी,
किस ऑर्डर में स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये स्टेप्स भी मैंने अभी आप लोगों को लिखा चुका हूँ. Kindly follow the steps in the similar manner as I have told. You'll never ever face in any such type of a question. So let us talk about this another question. Again, ये first term दी गई है, tan inverse में दिया गया t1 plus t2 up till tn. ये nth टर्म दी गई है अपने पास. तो यानी यहां पर जो जनरल टर्म है वो ऑलरेडी दे रखी है. यानी कहने का मतलब टी बेस आर, अब n की जगह r पुट कर दे तो x अपॉन 1 प्लस r इंटू आर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ, राइट. एंड वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ s इज इक्वल टू t1 प्लस t2 एंड इट गोज ऑन अप टिल TN, ये अपने को निकालना है. तो ये मैंने बात बता चुका हूं कि आपको इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है. किस फॉर्म में? tan इनवर्स ऑफ x माइनस का y. तो आइए दोस्तों इस फॉर्म में क्रिएट करते हैं. तो t बेस r कैन बी रिटन एज, नीचे आ जाएगा 1 प्लस r इनटू x और आ जाएगा r प्लस 1 इनटू x. ध्यान से देखें क्योंकि r इनटू r प्लस 1 इनटू x स्क्वायर बन जाएगा वो, और r प्लस 1 इंटू एक्स में से आप r x घटा दें तो आपके पास ऊपर न्यूमरेटर में x क्रिएट हो जाएगा और जो चाहिए भी था आपको. तो एज अ रिजल्ट मैं लिख सकता हूं ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ r प्लस 1 इंटू एक्स माइनस का tan इनवर्स ऑफ r x. ये t बेस r आ गया आपके पास. क्लियर है बात ये? अब क्वेश्चन ने कहा फाइंड डीवाई बाय डीएक्स एंड एक्सप्रेस योर आंसर इन टू टर्म्स. ठीक है, अब सबसे पहला हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं. एस की वैल्यू की बात करें तो आर की वैल्यू 1 पुट कर दो. 1 पुट करोगे तो आपके पास टी 1 की वैल्यू आ जाएगी, यानी टैन इनवर्स ऑफ 2x माइनस का टैन इनवर्स ऑफ x. आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो t2 यानी tan inverse of 3x minus का tan inverse of 2x and it goes on up till r की value n जैसी आप put करेंगे तो t base n आएगा, tan inverse of n plus 1 into x minus का tan inverse of nx. correct. अब इन सब को आप add करें. जैसे ही आपने add किया तो ध्यान से देखें दोस्तों, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा सारा का सारा. यानी एस एन की बात करूंगा तो आ जाएगा टैन इनवर्स ऑफ एन प्लस वन इंटू एक्स माइनस का टैन इनवर्स ऑफ एक्स. ये आ गई बात, यहां तक समझ में आ गई बात मेरी. अब हमें डीवाई बाई डी एक्स निकालना है. अब डीवाई बाई डी एक्स मतलब इसको, अगर इसको मैं वाई मान रहा हूं तब की बात है, ठीक है ना. तो इसका डेरिवेटिव बेसिकली पूछा गया, इसका डेरिवेटिव बताना है. तो डेरिवेट इसको कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू x. इतना काम आई एम श्योर आप सभी लोग कर सकते हैं, क्योंकि d by dx of tan इनवर्स ऑफ x होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. nx होता तो ऊपर n भी आ जाएगा, x n के साथ x आ रहा था तो nx का डेरिवेटिव n आ जाएगा, ऊपर n आ जाएगा तो सेट केस में, राइट. सो अब इसका आप आंसर निकाल सकते हैं. क्लियर है सभी को ये बात? ठीक है, यानी ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 इनटू x का स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव n प्लस 1 आ जाएगा, ठीक, और माइनस का 1 upon 1 plus x square. So this is going to be the final answer to this question or the derivative of this function. Right? I'm sure this question is clear to all of you. अगला question देखते हैं दोस्तों. ये already general term दे दी हम लोगों को. Tan inverse of 4n upon n power 4 minus 2n square plus 1. तो इसको तो सिंपल सा सोच सकते हैं आप, tan इनवर्स ऑफ
फोर एन अपॉन वन प्लस एन पार फोर माइनस टू एन स्क्वायर प्लस वन, ऐसा लिख लिया। यानी दोस्तों ध्यान से देखें, ये क्या बना, टेन इनवर्स ऑफ फोर एन अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर आ गया। करेक्ट है बात यहां तक, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर का कंप्लीशन है, अब इसको लिखा जा सकता है टेन इनवर्स ऑफ फोर एन डिवाइडेड बाय वन प्लस ये एन स्क्वायर माइनस वन कैन बी रिटन एज एन प्लस वन इंटू एन माइनस वन, इसका होल का स्क्वायर आ गया। सही है यहां तक बात। यानी ये बनेगा कितना, टेन इनवर्स ऑफ, अब ये नीचे इसको मानो ऐसा मान लो, ऐसा लिख लें आप, मैं इसको लिख देता हूँ, फोर एन डिवाइडेड बाय वन प्लस एन प्लस वन का स्क्वायर इंटू एन माइनस वन का स्क्वायर। सही है, यहां तक अगर बात समझ में आई तो ये x है और ये y है, ये माने, यानी ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ n प्लस वन का स्क्वायर माइनस ऑफ n माइनस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू n माइनस वन का होल स्क्वायर। यानी tan इनवर्स ऑफ x माइनस y डिवाइड बाय वन प्लस एक्स वाई, which can be written directly in the form tan inverse of n plus 1 ka whole square minus of tan inverse of kitna n minus 1 ka whole square, tan inverse x minus tan inverse y ban gaya, aur x n plus 1 ka whole square hai aur y n minus 1 ka whole square hai, dono hi positive hai, square hai to positive hi honge। ab aap n equal to 1 se lekar ke infinity tak ke terms sums ki baat kari ja rahi hai yahan par, to aap nikal sakte hain। kaise nikal sakte hain, देखें आइए बात करते हैं। अभी अपने पास nth टर्म आ गई, अब n की वैल्यू 1 2 3 4 डालते चले जाते हैं। तो जैसे कि मैं लिख दे रहा हूं, ये tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 का स्क्वायर होल माइनस का tan इनवर्स ऑफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब यहां पर 1 वैल्यू पुट करो तो tan इनवर्स ऑफ कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस का टैन इनवर्स ऑफ जीरो, फिर टैन इनवर्स ऑफ कोरस्पोंडिंग टू वन के लिए, फिर टू की बात कर लो, टैन इनवर्स ऑफ टू प्लस वन थ्री का स्क्वायर इज नाइन, माइनस का टैन इनवर्स ऑफ फोर, एंड इट गोज ऑन अप टिल एन तक की बात करूंगा मैं, तो टैन इनवर्स ऑफ एन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस का टैन इनवर्स ऑफ कितना n माइनस वन का होल स्क्वायर। इन सब को आप क्या करते हैं, ऐड कर दें। ऐड जैसे ही आप करेंगे, ध्यान से देखें दोस्तों, ये इससे कट रहा है, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा और ये इससे कटेगा, और tan इनवर्स जीरो तो जीरो ही होता है, तो केवल और केवल ये बचेगा, यानी tan इनवर्स ऑफ n प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस का जीरो, यानी ये आपके पास आंसर हो जाएगा। और क्योंकि n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी का स्क्वायर करूंगा, tan इनवर्स इनफिनिटी बनेगा, यानी पाई बाय 2 विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। मेरी बात समझ में आ गई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy किया हमने, और n प्लस 1 का होल स्क्वायर में से ये घटाया तो ऊपर ये बन जाएगा, क्योंकि 2n माइनस ऑफ माइनस 2n विल बी 4n आ जाएगा ऊपर, और ये क्रिएट हुआ, और फिर वैल्यू हमने पुट करते चले गए, वन वन पुट करा, टू पुट करा, अप टिल एन पुट करा, और फाइनली वी आर विद द आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट। अब आइए दोस्तों, अब ये क्वेश्चन जो लिखा है, ध्यान से देखो इसके अंदर में, यहां पर टैन इनवर्स के बजाय कॉसेक इनवर्स में दे रखा है, तो कॉसेक इनवर्स में जो चीज दी गई है, तो इसको आप वाया ट्राइंगल tan इनवर्स में चेंज कर लें। यू गेटिंग माय पॉइंट। अब हम एक चीज जानते हैं, वैसे भी कुछ रिलेशंस हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी हुई है, क्या देखो, जैसे कि पढ़ा हुआ हम लोगों ने, sin इनवर्स x + cos इनवर्स x1 होता है, cot इनवर्स x + tan इनवर्स 1x होता है, तो cosec इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स एक्स की भी वैल्यू वन होती है, ये भी हमने पढ़ा, प्लस सीकेंट इनवर्स एक्स, सॉरी कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स की भी वैल्यू वन होती है, ये भी हमने पढ़ा हुआ, करेक्ट है। तो ठीक है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो,